नमस्कार। इस वीडियो में हम डेटा कंबाइन कैसे करते हैं देखेंगे। हमने 10 नियम पहले ही देख चुके हैं। ये डेटा है समझो जिसमें हर 10 नियम बराबर से चल रहा है। डेटा अच्छा है लेकिन इससे बात खत्म नहीं होती है। 11वां रूल है, 11वां नियम है। क्या है 11वां रूल? ये है कि अगर हमारे पास अलग अलग अच्छे डेटा आ गए तो उनको अलग मत रखो। अभी देखो 3 शीट पे रखा है मैंने, वैसा नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? भले ही वो आपके पास अलग अलग आ गए लेकिन साथ में रखना ज़्यादा अच्छा है। तो बेटर तरीका ये है कि हम उस डेटा को इकट्ठा एक टेबल में रखें, ज़्यादा टेबल में नहीं रखें। हम ये बहुत बार गलती करते हैं। हर महीने का डेटा आता है, क्लीन करते हैं, मंथ का फाइल सेव करते हैं। अगले महीने का डेटा आता है, अलग फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं। आज नहीं तो कल पूरा ईयर का एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए ये गलत है। सही क्या है? अगर साथ में रहने वाला डेटा है तो उसको एक टेबल में रखो। जो नाम शीट को देते थे वो कॉलम में डालो, जो नाम फाइल को देते थे वो कॉलम में डालो। उससे फायदा होता है एनालिसिस का। इस बार हम 3 चीज देखेंगे, मल्टीपल CSV फाइल, मल्टीपल एक्सेल फाइल और एक एक्सेल में बहुत सारे शीट्स कैसे कंबाइन करने हैं। ये तीनों चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, इसमें एक फोल्डर में मेरे पास 12 CSV फाइल है। कैसे करते हैं? पावर BI में जाएंगे, गेट डेटा बोलेंगे। इसमें CSV ऑप्शन फाइल में है लेकिन हमारे पास एक नहीं, बहुत सारे फाइल हैं। हमको क्या चूज करना है? फोल्डर कनेक्ट बोल दो, फिर जो भी पाथ है वो कॉपी पेस्ट कर दो। अभी इसमें पूरा फाइल्स तो दिखा रहा है, हमको कंबाइन करना है और ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म मींस गंदगी साफ कर सकते हैं। ये फाइल कैसा है? एक फाइल में 3 कॉलम है और हर फाइल में यही स्ट्रक्चर होना जरूरी है, नहीं तो ये चीज चलेगा नहीं। अभी कंबाइन और ट्रांसफॉर्म बोलने से जो हम हाथ से कॉपी पेस्ट करते थे वो काम पावर BI खुद कर देगा। अभी पावर BI को समझना है कि स्ट्रक्चर क्या है, कितने कॉलम है, उसके लिए उसको एक सैंपल फाइल चाहिए। वो पहला फाइल ले रहा है, चलेगा क्योंकि हर फाइल वही तरीके से बना हुआ है। सो अभी ओके बोलने से क्या होगा? डेटा अपने आप कंबाइन हो जाएगा और ये कंसोलिडेटेड डेटा हमको मिल गया। इसमें एक थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ एम्प्टी रोज आ गए, कहीं एक्स्ट्रा एंटर दब गया होगा। उसके लिए क्या करना है? कोई टेंशन नहीं, एक रो जहां नल है या एम्प्टी है राइट क्लिक करो। हमको ऐसे वाले रो नहीं रखने हैं तो बोलना है डज नॉट इक्वल। तो जिसमें नल नहीं है वो रह गए, डेटा क्लीन हो गया। अभी क्या करना है? ये जो सोर्स का नाम है वो अगर चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो निकाल दो। कभी कभी एनालिसिस के लिए लगता है तो रखना है, नहीं तो निकालना है। अभी डेटा पूरी तरह से क्लीन हो गया है। अभी हम उसको इंपोर्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। अभी दूसरी चीज देखते हैं, बहुत सारे एक्सेल फाइल्स एक फोल्डर में। इन फाइल में क्या होना जरूरी है? जैसे CSV में था सेम कॉलम होने चाहिए, लेकिन एक्सेल में और चीज है। अगर इसमें हर एक डेटा टेबल हो तो ज्यादा अच्छा है। आपने अगर टेबल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। हर फाइल में टेबल होना चाहिए और हर टेबल का नाम सेम होना चाहिए। और BI में वही चीज है, फोल्डर जाओ, फोल्डर कॉपी पेस्ट करो। कंबाइन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो उस हिसाब से मेथड सेम है। फर्क यह है कि जो फर्स्ट फाइल सैंपल उसमें शीट नहीं सिलेक्ट करना है, टेबल सिलेक्ट करना है। हर फाइल में टेबल का नाम सेम होना जरूरी है, नहीं तो ये चलेगा नहीं। अभी उसने काम कर दिया, तीनों फाइल का डेटा कंबाइन करके दे दिया। वो जो एक्स्ट्रा कॉलम उसने डाला है, जो फाइल नेम अगर चाहिए तो रखो। समझो आपको फाइल नेम चाहिए लेकिन वो XLSX ऐसे लिखा हुआ है, नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे?
उसके लिए ये डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। उसके लिए राइट क्लिक करना है स्प्लिट कॉलम डिलिमिटर के साथ, उसको समझा डॉट या पीरियड है, ओके बोल दीजिए। अभी एक के दो कॉलम हो गए, दूसरा कॉलम निकाल देंगे। पहला कॉलम रखेंगे, अगर चाहिए तो उसका नाम भी चेंज करेंगे। अभी डेटा सही हो गया, उसको इंपोर्ट करें और आगे पावर बीआई में जाके उसको एनालाइज कर सकते हैं। अभी तीसरा चीज है, अगर एक ही एक्सेल फाइल में बहुत सारे शीट्स है और उसमें सिमिलर डेटा है, अभी मेरे पास तीन शीट है, हर एक में टेबल है, उसको कंबाइन करके कंसोलिडेटेड डेटा चाहिए। इसके लिए क्या करना है, हर एक टेबल को नाम होना चाहिए, नाम तो अलग होंगे वो चलेगा, शीट नेम से कोई फर्क नहीं, टेबल नेम जरूरी है। अभी इसका जो तरीका है पावर बीआई का वो थोड़ा अलग है, वो देखते हैं पावर बीआई में क्या करना है। इस बार इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल बोलना है क्योंकि एक ही फाइल है। अभी वो फाइल खोल के बताएगा उसमें कितने टेबल्स है। शीट्स कभी नहीं सिलेक्ट करने, तीनों टेबल को सिलेक्ट करना है और फिर बोलना है ट्रांसफॉर्म। तो डेटा उसने ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंपोर्ट तो कर दिया है, लेकिन इस बार वो डेटा कंबाइन नहीं हुआ है, अभी तक तीन अलग टेबल दिख रहे हैं। हमको क्या करना है, हर एक टेबल को देखना है कि डेटा पहले सब में कॉलम सेम है कि नहीं। अभी सेल्स टेबल में मंथ कॉलम है वो नहीं चाहिए, टेबल वन में भी एक्स्ट्रा कॉलम है नहीं चाहिए, टेबल टू ठीक है, तो अभी तीनों में कॉलम सेम है। अभी हमको तीनों टेबल को कंबाइन करना है। उसके लिए क्या करते हैं, टेबल वन और टेबल टू जो है उसको एक सेल्स टेबल में अपेंड कर देंगे, तो फाइनल डेटा सिर्फ सेल्स टेबल में ही जाएगा। टेबल वन को इंपोर्ट करना ही नहीं है, तो एनेबल लोड निकाल दो। टेबल टू में भी एनेबल लोड नहीं चाहिए, निकाल दिया। सेल्स टेबल में एनेबल लोड चाहिए तो वो रख दिया। अभी सेल्स टेबल क्लिक करके बोलना है अपेंड, दो नहीं दो से ज्यादा टेबल है, थ्री और मोर। सेल्स तो करंट है, दोनों बाकी के टेबल सिलेक्ट किए, ऐड बोले, ओके बोले। अभी डेटा पूरा कंबाइन हो गया। अभी एक चीज है, इसमें जो शीट को नाम थे वो इधर आए नहीं है, कभी कभी शीट के जो नाम है वो जरूरी रहते हैं। वैसा अगर करना है तो क्या करें, तो ये स्टेप एक पीछे जाते हैं। अभी कंबाइन नहीं किया है डेटा, तो क्या करना है, जो भी शीट का नाम है वो एक अलग कॉलम बोल के डालेंगे। अलग कॉलम डालने के लिए एड कॉलम बोल के कस्टम कॉलम डालना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, P1, P2, P3 ऐसे नाम है, वो हमको डालने हैं। तो एक टेबल सिलेक्ट करके कस्टम कॉलम किया, कॉलम का नाम हम रखते हैं प्रोडक्ट इस टाइम, और उसमें एक्चुअली जो नाम है डाल देना है P1। सेम चीज हम करेंगे टेबल वन और टेबल टू के लिए, P2 और P3। अभी सेल्स टेबल को जाके अपेंड क्वेरी बोल के पहले जैसे किए थे, थ्री और मोर टेबल्स, सिलेक्ट टेबल वन एंड टू, ओके। अभी डेटा पूरी तरह से सही हो गया। अभी हम उसको क्लोज एंड अप्लाई बोल के इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर पावर बीआई में डेटा आ गया, अभी उसको एनालाइज करेंगे। तो इस प्रकार से तीनों चीजों में डेटा कैसे कंबाइन होता है पावर बीआई यूज करके, वो हमने सीखा। जो भी मैं पावर बीआई में बोल रहा हूं वो एक्सेल में भी होता है। अगर एक्सेल 2016 है तो डेटा टैब में गेट एंड ट्रांसफॉर्म बोल के मेनू में जाते हैं। अगर आपके पास एक्सेल का पुराना वर्जन है तो पावर क्वेरी या एड इन इंस्टॉल करिए, उससे सेम फीचर मिल जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ऐसे बहुत सारे और वीडियोस और आने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।